हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबडी में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML और टैग्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे HTML टैग्स कितने टाइप के होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने HTML टैग्स को बहुत डीपली जाना था, विद एग्जांपल्स देखा था हमने कि HTML टैग्स क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML टैग्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो HTML जो टैग्स होते हैं हमारे, वो मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम पहले टैग की बात करें तो पहला टैग होता है हमारा पेयर्ड टैग, ठीक है, पेयर्ड टैग। और जो हमारा दूसरे टाइप का होता है टैग, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड टैग, ठीक है, अनपेयर्ड टैग। जो हमारा अनपेयर्ड टैग है, इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है। इसको हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, अनपेयर्ड टैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो पहले टाइप का टैग क्या हो गया हमारा, पेयर्ड टैग, ठीक है, और दूसरे टाइप का टैग हो गया अनपेयर्ड टैग, जिसे हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये दोनों होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेयर टैग की, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेयर टैग। तो पेयर टैग का मतलब क्या है, देखो, टैग ये हो गया टैग, ठीक है। अब देखो, एक होता है ओपनिंग, ठीक है, दूसरा होता है क्लोजिंग। देखो, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है ये क्लोज, और बीच में हम लोग लिखते हैं कंटेंट, ठीक है, बीच में आ गया कंटेंट। तो इन्हें हम बोलते हैं टैग, ठीक है, ओपन एंड और बीच में कंटेंट, इस पूरे को मिला के हम बोलेंगे टैग, ठीक है। और हमारा जो पेयर टैग होगा वो क्या होगा, वो होगा पेयर में, यानी अगर ये ओपन होगा तो ये साथ ही साथ हमारा क्लोज भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये ओपन हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब कि ओपन का ओपन ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ओपन हो रहा है तो ये यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के टैग को हम बोलते हैं पेयर टैग, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स दिखाऊँ, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आपने हेडिंग टैग देखा है, सॉरी, मैं हेडिंग टैग, ठीक है, हमने हेडिंग टैग के बारे में पिछले वीडियो में भी बात की थी, ठीक है। हेडिंग टैग जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, ऐसे करके ये H6 तक होते हैं, ठीक है, हेडिंग टैग, यानी जो हेडिंग लिखने के काम आते हैं, हेडिंग टैग्स। मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं बात करूँ, ये हेडिंग टैग हो गया, और इसके बीच में हम लिख दिए दिस इज हेडिंग टैग, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे ओपन हुआ H1, यहाँ पे हो गया क्लोज। एक बात ध्यान रखिएगा कि ओपन टैग में, ठीक है, और यहाँ पे जो H1 टैग हमारा क्लोज हो रहा है, इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ जब ये ओपन होगा यहाँ H1 लिखा है, लेकिन जब हमारा कोई भी टैग होगा क्लोज, तो उससे पहले आपको देना पड़ेगा स्लैश, ठीक है, ये हमारा स्लैश दिख रहा है, तो वो आपको पहले स्लैश देना पड़ेगा, फिर ये सेम एज इट इज H1 जैसे यहाँ लिखा है वही H1 लिखना होगा। तो सिंपल सी बात है, पेयर टैग हमारे वो टैग होते हैं जो ओपन होंगे तो उनका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ये हमारे होते हैं पेयर टैग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनपेयर टैग की या एम्प्टी टैग की। देखो, अब इसका जाहिर सी बात है, इसका अपोजिट ही होगा ये अनपेयर टैग, यानी इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये टैग में हमारा क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल, चलो पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ टैग। देखो, इसका हमारा क्या बोलते हैं, क्लोजिंग नहीं होगा, है ना, ये क्लोज नहीं होगा। अगर ये क्लोज होगा तो फिर तो ये पेयर टैग में आ जाएगा, अनपेयर टैग। देखो, ये होगा ऐसे, देखो यहाँ पे ये ओपन तो हो रहा है, लेकिन ये कहीं पे आपको क्लोज होता हुआ नहीं दिखेगा। तो अब आपको ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, भैया अनपेयर टैग फिर कैसे होगा, ऐसा टैग तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो होता है, अनपेयर टैग होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एक टैग होता है हमारा BR टैग, ठीक है, BR टैग हम देखेंगे क्या होता है BR टैग। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ BR टैग क्या होता है। BR टैग का नाम होता है ब्रेकिंग टैग, ठीक है, लाइन ब्रेक करने के काम होता है, लाइन ब्रेक। इसका काम कैसे है, जैसे आप ये लाइन लिखे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे BR, ये हमारा जो है एक लाइन पे दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे BR टैग, ठीक है, BR टैग यूज़ कर लोगे, तो इसका जो आउटपुट दिखेगा, आउटपुट मैं दिखाता हूँ आपको, इसका जो आउटपुट दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, ये यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ और के बाद हमने क्या लगा रहा है BR, यानी ये जो लाइन है ये यहाँ से हो जाएगी ब्रेक, तो जब ये ब्रेक हो जाएगी तो ये कहाँ आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे इसके नीचे, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैं इसको पहले सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले ये एक साथ थे, लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया बी आर टैग, तो यहाँ से हो जाएगा ये ब्रेक और ये आ गया नीचे, ठीक है। अच्छा, तो इसी वीडियो में हमने बी आर टैग भी देख लिया, ठीक है, वैसे हम इसे और अच्छे से देखेंगे, लेकिन क्या है बी आर टैग होता है लाइन ब्रेक। तो देखो आ गया समझ में, ये हमारा अनपेयर टैग है यानी एम्प्टी टैग है, यानी इसका कोई भी क्लोजिंग नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा एच आर, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है, हॉरी, ठीक है, कैसे, अब इसका क्या होता है, देखो आप कुछ भी लिखते हो उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, ठीक है, उसे उसके लिए यूज होता है एच आर टैग। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, चलो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे हमारा एच टी एम एल डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है, इसको लेने के लिए शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन साइन दबाना पड़ता है हमें, ठीक है, पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ कमेंट, ये कर दिया मैंने कमेंट। अब देखो इसको मैंने कमेंट, क्योंकि अगर मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो ये भी साथ ही साथ ये भी होने लगेगा रन, और फिर आ जाएगा एरर, क्योंकि हमने बताया स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, ठीक है, एच टी एम एल डॉक्यूमेंट का, वो क्या होता है एच टी एम एल के, ये जो एच टी एम एल रूट एलिमेंट शुरू होगा और ये एंड होगा इसके अंदर ही होना चाहिए, और ये लिखा है इसके बाहर, तो यहाँ ये दे देगा एरर, ठीक है। तो ये तो हमने समझने के लिए लिखा था वैसे भी, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना था मुझे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बी आर टैग, ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये कैसे दिखेगा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मैं ऐसे किसी भी वेब पेज को रन करवाता हूँ या ओपन विद लाइव सर्वर से, तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है लाइव सर्वर, ठीक है। तो जैसे आप लाइव सर्वर लिखोगे, वो मेरा इंटरनेट से नहीं है कनेक्ट इसीलिए, लेकिन यहाँ दिख रहा है ये डाउनलोडेड है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आपको ये दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ फिर आपको भी ऐसा ऑप्शन आने लगेगा, तो आप सीधा यहाँ से रन करवा सकते हो अपने वेब पेज को। तो मैंने इसको रन करवाया, तो देखिए आपको कैसे दिखेगा यहाँ पे, सिंपली ये देखो यहाँ पे आपको दिख गया हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है यहाँ पे आपको ये हेलो वर्ल्ड, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ बी आर टैग का, देखो ये होता है हमारा, ये कौन सा टैग है आप बताओ, अनपेयर टैग है या पेयर टैग है, ये हमारा पेयर टैग, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने पेयर टैग का। अब मैं आपको दिखाता हूँ अनपेयर टैग का, जैसे हमने बी आर देखा, तो बी आर मैंने बताया था आपको, ये कर देता है लाइन ब्रेक, और देखो इसका कोई भी क्लोजिंग नहीं है ना, तो ये होता है हमारा एम्प्टी टैग, और इसका काम बताया था मैंने, ये कर देता है लाइन को ब्रेक, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लाइन को ब्रेक। तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, एक लाइन में हेलो आना चाहिए, फिर यहाँ से ये हो जाएगी लाइन ब्रेक हमारी, और ये आ जाना चाहिए नीचे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये होता है या नहीं, तो देखिए हो गया, यहाँ पे हेलो है, ठीक है, यहाँ पहले वर्ल्ड साथ में था, लेकिन हमने बी आर लगा दिया, तो यहाँ से ये लाइन ब्रेक होके वर्ल्ड नीचे आ गया, तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा बी आर टैग, है ना। और हमने एक और अनपेयर टैग यानी एम्प्टी टैग की बात की थी, एच आर टैग, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एच आर टैग क्या होता है, एच आर, है ना, एच आर टैग की बात की थी, ये भी हमारा एम्प्टी टैग है या अनपेयर टैग है, देखो यहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये आपको लाइन दिख रही है, ये पतली सी, ये इतनी लंबी सी जो लाइन दिख रही है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे दिख, ये दिख रही होगी, ये देखो यहाँ से बिल्कुल ऐसे, ये एच आर, तो ये क्या दे देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है और वर्टिकल ऐसे सीधा होता है खड़ा, है ना, तो ये हमारा एच आर है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा, तो ठीक है, ये भी हमारा अनपेयर टैग में आता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे दो टाइप के टैग होते हैं, पेयर टैग अनपेयर टैग, ठीक है, एग्जाम्पल देखे, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया, ठीक है, कि हमारा ओपन टैग क्या होता है, अनपेयर टैग क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा दोनों टाइप के टैग, ठीक है, अनपेयर टैग और पेयर टैग, ठीक है। तो आप, मुझे नहीं लगता आपको जब ऐसे कोई दिक्कत आए, आप सोचो भैया ये तो स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा पेयर टैग है और ये अनपेयर टैग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।